चीन को खुद पर रूस की तरह प्रतिबंधों का डर सता रहा है। ताइवान पर हमला किया तो प्रतिबंधों का डर, चीन ऐसे संभावित प्रतिबंधों को लेकर मंथन कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स को रूस जैसे कठोर प्रतिबंधों की आशंका नहीं है। तो आपको मालूम है कि रूस ने 2014 के बाद सैंक्शंस को लेकर अपनी रणनीति बनाई थी। उसने अपनी इकोनॉमी को फोर्ट्रेस इकोनॉमी बनाने की तरफ कदम बढ़ाए थे ताकि प्रतिबंधों का असर उस पर कम से कम हो। और चीन भी ये समझ रहा है कि अगर ताइवान को लेकर उसने आने वाले दिनों में एक्शन लिया तो अमेरिका की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और ऐसे प्रतिबंधों का सामना कैसे करना है, इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना कम है कि रूस जैसे कड़े सैंक्शंस चीन पर लगाए जाएं। और शायद उनके कहने के पीछे जो वजह है वो ये है, क्योंकि आप जानते हैं सप्लाई चेन के मामले में चाइना बहुत अहम भूमिका इस समय विश्व में रखता है। शायद इसको लेकर यह समझा जा रहा है कि उसके ऊपर उतने कड़े सैंक्शंस ना लगाए जाएं। और अब जरा ये अहम खबर आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूं ताकि इस पूरी खबर को आप और पर्सपेक्टिव में समझ सकें। चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि रूस जैसी सख्ती ड्रैगन से मुमकिन नहीं होगी। अब ये किस आधार पर कहा जा रहा है, जरा वो भी देखिए। रूस को मदद या ताइवान पर हमले की स्थिति में प्रतिबंधों की आशंका पर चीन में ब्रेनस्टॉर्मिंग इसको लेकर चल रही है। वहां के इकोनॉमिस्ट इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाएगा उस स्थिति में अगर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर विदेशी ट्रेड पर निर्भर है, इसमें बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप का है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि ग्लोबल ट्रेड में दबदबे को देखते हुए चीन के सामने रूस जैसी मुश्किलें नहीं आएंगी। वही जो सप्लाई चेन वाली बात मैंने आपको बताई, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो कुछ पश्चिमी देश ही इसको मानने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना सो फार एज सप्लाई चेन इज कंसर्न। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ रूस की तरह प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा। रूस उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, चाइना बेहद बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस पर प्रतिबंध लगाए गए तो प्रतिबंधों का बूमरैंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और चीन के खिलाफ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकालने और फॉरेन रिजर्व फ्रीज करने जैसे फैसले आसान नहीं। आप जानते हैं कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है डॉलर में डील करते हुए, वो जैसा रूस को उससे निकाला गया, क्या चाइना को निकाला जा सकता है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं लगता फिलहाल। चीन पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों का बुरा असर खुद उन देशों पर पड़ेगा जिसको हम बूमरैंग इफेक्ट कहते हैं। क्या इस सब को देखते हुए वाकई ये समझा जाए कि चाइना आने वाले दिनों में अगर दादागिरी करता भी रहता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस का शिकंजा नहीं कसेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।